हेलो चैंपियंस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल चैप में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं टाटा आईपीएल का नेक्स्ट मैच, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच ये मैच आज शाम 7:30 बजे दोस्तों ये मैच चेन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस मैच में हमारी ड्रीम इलेवन की टीम क्या रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस मैच में कुछ ऐसे बड़े प्लेयर रहेंगे जो दोस्तों इस मैच में टोटली फ्लॉप रहने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी प्लेयर रहेंगे जो कि दोस्तों जिनका सिलेक्शन काफ़ी कम रहेगा, बट दोस्तों इस मैच में आपके लिए वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लॉजिक वाइज आपको मैं सारी चीज़ें दोस्तों मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, दोस्तों मैच भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। साथ ही साथ मैं आपसे वीडियो में कुछ मैच से रिलेटेड ही कुछ गिव अवे का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आप उसका सही जवाब देते हो तो फिर दोस्तों आपको गिव अवे विनर के रूप में भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो गाइस वीडियो को आप एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती है, फिर भी दोस्तों आपके लिए एक यूजफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई विनिंग मिस कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही बड़ी विनिंग मिस कर रहे हो। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप देखो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको लगभग सभी स्पोर्ट्स की फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको देखो बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है। कोई भी हम लोग आपसे प्राइम का चार्ज या फिर कोई भी हम लोग आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। आप यहाँ पर आइए, खेलिए और आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सिंपली टेलीग्राम चैनल को आप देखो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर फटाफट से मैच को चलता हूँ। गाइस ये मैच नंबर 24 रहेगा, जो कि आरसीबी और सीएसके के बीच ये मैच आज यानी कि 17 अप्रैल शाम के 7:30 बजे ये मैच बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात कर लो तो मेरे भाई देखो पिच रिपोर्ट बहुत ही क्लियर है। सभी लोगों को यहाँ पर पता है कि मैच हाई स्कोरिंग जाने वाला है। मेन कारण क्या है कि दोस्तों यहाँ की बाउंड्री काफ़ी छोटी होती है, जैसे कि हर मैच में आप यहाँ पर रन बनते हुए आप देखो देख सकते हो। इस मैच में भी देखो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करना कि दोस्तों ये मैच भी हाई स्कोरिंग जाएगा और श्योर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो सेकंड इनिंग में देखो बॉलिंग करते हुए जो बैटिंग करने वाली टीम होती है वो देखो यहाँ पर मैच को इजी जीतती है। उसका मेन कारण क्या है कि देखो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ड्यू भी आता है और ड्यू के कारण देखो यहाँ पर बॉलिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 190+ का एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पर आप मानकर चल सकते हो और टॉस के बाद ही आप अपनी खुद की टीम क्रिएट करना। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो देखो टोटल 30 मैचेस खेले जा चुके हैं चेन्नई और आरसीबी के बीच, जिसमें से कई अगर ऑन द पेपर बात करूँ ना तो गाइस यहाँ पर आरसीबी ने चेन्नई को केवल 10 ही बार हराया है और चेन्नई ने आरसीबी को गाइस 19 बार हराया है। तो गाइस ऑन द पेपर आपको यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दिखने वाली है ऑन द यहाँ पर रिकॉर्ड। बट अगर रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो देखो रिसेंट फॉर्म आरसीबी का बहुत बेस्ट है, अपना लास्ट में देखो आरसीबी जीत के आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइस आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टॉस के बाद ही आप अपना टीम क्रिएट करना। ठीक है, जो टीम टॉस जीत जाए वो पहले बॉलिंग करेगी और फिर रन चेस करने वाली टीम इस मैच को जीत जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ दोनों टीमों की इस मैच की मैं प्लेइंग इलेवन क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस होने वाला है क्या इस मैच में, जेसन बोर्ड खेलने आएगा और कौन अगर वो खेलता है तो फिर कौन सा प्लेयर बाहर बैठने वाला है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों प्लेयर के साथ साथ मैंने यहाँ पर उनका रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड सारा मैंने ऐड किया है, तो आप चाहो तो आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहले मैं अगर आरसीबी की बात कर लूँ तो विराट कोहली जो कि बहुत बढ़िया फॉर्म में है, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड चेन्नई के सामने 42 का एवरेज है और लगभग इन्होंने 29 मैच में 1000 रन बना भी दिया। इसके साथ दोस्तों फाफ डु प्लेसिस टीम के कैप्टन ओपनिंग करने आएंगे, इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 पे गाइस यहाँ पर महिपाल लॉन्गरोड 2 मैच में 26 रन, आप इनका भी रिकॉर्ड आप यहाँ पर चेक कर लो। अगर मैं बाई बाई से सबका यहाँ पर नाम लूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। नंबर 4 पे गाइस ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और 4 मैच में टोटल इन्होंने अभी तक 100 रन इन्होंने बनाए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका देखो 11 मैच में 288 रन 28 का एवरेज। इनके अलावा दिनेश कार्तिक जिनकी यार इस मैच में शायद बैटिंग नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 4 मैच में केवल 10 रन और 2 बार तो ये देखो 0 रन पे डक पे आउट हो गया है। ठीक है, इनके अलावा गाइस देखो शहबाज अहमद जिनकी यार देखो बॉलिंग तो बोल जाओ बॉलिंग देखो इनसे ज़्यादा इनको मिल नहीं रही है। बैटिंग की बात करूँ तो 4 मैच में केवल 21 रन जिसमें से लास्ट मैच में 20 रन की एक बहुमूल्य पारी आई थी दिल्ली के सामने। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर इनका चेक कर सकते हो। बॉलिंग की बात करूँ तो वनिधु हरसंगा वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, पहले मैच में इन्हें 1 विकेट मिला था बट थोड़े से महंगे साबित रहे थे। और फिर यहाँ पर हर्षल पटेल 4 मैच में 5 विकेट जो कि डैश ओवर में भी बॉलिंग करने आएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका देखो बहुत ही बेस्ट है, 7 मैच में 13 विकेट। इनके अलावा इसको वाइन पार्नेल जो कि दोस्तों एक लेफ्ट आर्म पेसर रहेगा जो कि सिराज के साथ आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ दिखने वाला है और एक ओवर इन दोनों का डैश ओवर में भी रहेगा। ठीक है,
वैन पार्नेल 2 मैच में 4 विकेट और मोहम्मद सिराज 4 मैच में 7 विकेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप यहाँ पर दोनों का चेक कर सकते हो। थोड़ा सा सिराज का हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर विजय कुमार व्यस्क जो कि लास्ट मैच ही खेलने आया था, इन्होंने डेब्यू मैच में गई 3 विकेट लिया था दिल्ली के सामने। बट ऐसा डेली नहीं होगा कि ये आपको मतलब 3-4 विकेट आपको निकाल कर दे, ठीक है। तो गाइज़ ये तो बात कर ली मैंने गाइज़ आरसीबी की प्लेइंग 11 की। अगर यहाँ पर बात कर लूँ सीएसके की, तो गाइज़ ऋतुराज गायकवाड़ के सामने उनके साथ डेविन कॉनवे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ओपनिंग करने आएगा, जो कि दोनों बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं दोनों प्लेयर। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे 2 मैच में 92 रन, बैक टू बैक दोनों मैच में इन्होंने बहुत ही तगड़ी स्टार्टिंग दी है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी बेस्ट है आरसीबी के सामने। नंबर 4 पे मोइन अली जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने आएगा, और ये दोस्तों आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली ये बॉलिंग भी करता हुआ आपको दिखने वाला है। 3 मैच में अभी तक इन्होंने बैटिंग में कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। बॉलिंग की बात कर लूँ तो 2 मैच में टोटल 5 विकेट, और आप यहाँ पर रिकॉर्ड भी आप इनका चेक कर सकते हो। इनके अलावा शिवम दुबे आपके लिए देखो जीएल का एक बढ़िया सिलेक्शन ऑप्शन रहेगा। इनके अलावा देखो रविंद्र जाडेजा, अभी तक इन्होंने बैटिंग से कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। मेन कारण है कि इनके देखो बहुत ही नीचे बैटिंग आती है। लास्ट मैच में इन्होंने 25 रन प्लस में 2 विकेट लिया था, उससे पहले 3 विकेट, तो देखो फॉर्म में तो प्लेयर है बॉलिंग से। इनके अलावा एमएस धोनी टीम के कैप्टन, साथ में विकेट कीपर। देखो स्मॉलिंग में तो आप मत ही ट्राई करना जेल के लिए, अगर जेल में अगर आप अपनी मल्टीपल टीम बना भी रहे हो तो 1 से 2 टीमें आप इन्हें ट्राई करना, ठीक है। इनके अलावा शिशांदा मगाला अगर खेलता है, वैसे तो ये अनफिट है, अगर खेलता है तो देखो 1-2 टीम में जेल में ही ट्राई करना स्मॉलिंग के लिए, उतना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। महेश तिक्सना जो कि दोस्तों एक स्पिनर है, हेड टू हेड बॉलिंग रिकॉर्ड 2 मैच में 7 विकेट, आरसीबी के सामने दोस्तों ये विकेट निकालना जानता है। और तुषार देशपांडे 4 मैच में 7 विकेट, और ये डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने आएगा, वन ऑफ द अभी तक का सबसे कामयाब बॉलर ये सीएसके का रहा है। और फिर यहाँ पर आकाश सिंह जो कि लास्ट मैच में राजस्थान के सामने इन्होंने 2 विकेट निकाला था। तो गाइस ये तो बात कर ली मैंने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, ठीक है, आप इसे स्टार्टिंग 11 भी बोल सकते हो। अगर मैं गिववे की बात करूँ तो देखो गिववे तो गाइज बहुत ही सिंपल रहेगा, 4 से 5 वीडियो में तो गाइज कोई गिववे विनर ही नहीं आया है, बहुत ही मैं इजी सवाल पूछूंगा, ठीक है। देखो 500 व्यूज का टारगेट तो आप पूरा करने से रहे नहीं, ठीक है, और 100 लाइक्स का देखो इजीली आप टारगेट पूरा करना, आई होप, आपसे रिक्वेस्ट है भाई। और अगर आप सपोर्ट करोगे देखो जब ही हम लोग आप ऊपर तक जाएंगे, बाकी ऐसे देखो हम ऊपर जाने से रहे नहीं, ठीक है। तो देखो आई होप ये टारगेट पूरा करोगे, ठीक है। अगर गिववे का देखो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अदरवाइज देखो इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर बनने वाला है और इस मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है, आई होप ये सिंपल सवाल का जवाब आप श्योर दोगे। और मेरे भाई मैच से पहले ही आप आंसर देना 7:30 बजे से पहले, और एक आईडी से एक ही आंसर देना। अगर आप मल्टीपल आंसर देते हो तो फिर देखो आपको यहाँ पर गिववे विनर के रूप में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई आई होप गिववे में आप सभी लोग पार्टिसिपेट श्योर करोगे, 4-5 दिन से कोई गिववे विनर निकल के नहीं आया। अब अगर टीम की बात कर लूँ तो देखो टीम आपके सामने ही है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर किया है। कैप्टन मेरा विराट कोहली रहेगा। वैसी दोस्तों मैं यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाने वाला हूँ। इवन आप चाहो तो यहाँ पर अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रहाणे और डुप्लेसिस को भी आप देखो बना सकते हो, ठीक है। बाकी फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर बाय चांस कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाए तो फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सही भाइयों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।